आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलिए देखते हैं कि हमें इनमें क्या क्या चाहिए। हमें जो है 500 ग्राम गाजर, 300 ग्राम चीनी और 250 ग्राम मावा। एक बाउल हम बादाम लेंगे, 4-5 बड़े चम्मच घी देसी और 1 ग्लास दूध। एक बाउल जो है वो हम काजू, 1 बाउल किशमिश और 15-20 हम इलायची। तो हम कढ़ाई को गरम करके मावा जो है पहले अपना थोड़ा सा, हमारा ये मावा थोड़ा गुलाबी हो जाएगा तो हम इन्हें निकाल देंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसमें हम गाजर का जो पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। कद्दूकस कर लीजिए गाजर को, या फिर मशीन से निकाल लीजिए। अब हम इनमें, ये देखिए हमारा लड्डू पक ही गया है, हमें अपना दूध डाल देंगे। दूध को डाल के हम पकाएंगे गाजर को। फिर थोड़ा सा जब ये पक जाएगा तो उसके अंदर हम लोग मावा डाल देंगे। हमारा ये पक रहा है गाजर, थोड़ा सा जब ये हो जाएगा तो इसमें हम मावा मिलाएंगे। अब ये थोड़ा तैयार हो गया, इसमें मावा हम डाल लेंगे। इसमें अच्छे से इसे मिला दीजिए। और इसे भून लेंगे। अभी थोड़ा सा भून गया है, इसमें भी चीनी मिला लीजिए। अभी हमारा गाजर का पानी पूरा जल गया है तो हम इसमें मेवे डाल लेंगे, काजू डाल लेंगे, बादाम, दाल फिर से चला लीजिए। आप चाहे तो जो भी मेवे डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं आपको पसंद है तो। किशमिश हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे, नहीं तो वो थोड़ी फूल जाती है। अभी भून के तैयार हो गए हैं। हम इसमें 2 चम्मच घी डाल लेंगे, घी से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। किशमिश डालेंगे, इलायची डाल के हम डाल लेंगे। हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। इलायची पाउडर,
में गाजर सोनी खुशबू भी आने लगी इसमें से। हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अब हम इसे बाउल में निकाल लिए हलवे को और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। काजू के टुकड़े पहले मैं काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारा गाजर का हलवा।